रविवार को इंदौर के बापट चौराहे पर 7 दिन की दूध मुही बच्ची को लेकर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए। इसके बाद समाज के लोग हीरानगर थाने पर जा पहुंचे और थाना प्रभारी को अपने परेशानी से भी अवगत करवाया। समाज के लोगों की केवल एक ही शिकायत थी कि हीरानगर थाना क्षेत्र में आने वाले बारोड़ अस्पताल के कुछ तथाकथित डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 7 दिन की मासूम बच्ची के सर से माँ का साया उठ गया। घटना हीरानगर थाना अंतर्गत आने वाले बारोड़ अस्पताल में 9 अगस्त को हुई थी, जब मृतका अंकिता सिंह राजपूत के परिजन बारोड़ अस्पताल में अंकिता को डिलीवरी के लिए लेकर पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद इलाज शुरू हुआ और अंकिता ने एक मासूम बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद अंकिता की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। अंकिता के मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से पुलिस को मना कर दिया। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया कि बारोड़ अस्पताल के तथाकथित कुछ डॉक्टरों की मिलीभगत के कारण लापरवाही हुई और उस लापरवाही की भेंट मृतका अंकिता चढ़ गई। घटना के बाद इंदौर शहर के कलेक्टर को परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की शिकायत की है। परिजनों की मांग है कि डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 12:10 पे उसका ऑपरेशन शुरू होता है। 2:30 बजे अंदर ओटी से कॉल आता है कि उससे उन्होंने हमें 5 या 7 लीटर ब्लड दिखाया उसका और फ्लूइड कि इसके पेट में से इतना सब कुछ निकला है। हमने कहा इसकी कोई वैन कट गई थी, तो बोले नहीं वैन नहीं कटी थी, यूट्रेस में कट था, वो हमने ठीक कर दिया है। ये वहाँ सर्जन ने हमसे बोला ओटी के अंदर, बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें कार्डियक अरेस्ट आया था और हमने उसको प्रेस दिया है, शॉक दिए हैं, नाउ अभी बेटर है वो। आफ्टर 15 मिनट्स दे अगेन कॉल्ड अस, वापस बुलाते हैं हमें और कहते हैं इसे 2 कार्डियक अरेस्ट आए हैं, अभी ये स्टेबल मतलब कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उन्होंने उसे वापस रूम में शिफ्ट किया ICU में और 3:03 पर उन्होंने 3rd कार्डियक अरेस्ट बोलकर शी इज़ नो मोर बोल दिया। हम लोगों ने कहा हम इसका पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कि वो शी बिलोंग्स फ्रॉम द UP, उसके पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने उसे कन्विंस किया कि आपकी बेटी के तो 2 दिन में 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और कार्डियक अरेस्ट से इसकी डेथ हुई है और ऐसा बहुत सारे केसेस में हो जाता है। तो उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि 22 साल की हमारी मासूम बच्ची का अगेन से फिर चीरफाड़ हो, इसलिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो हमारी बहू नहीं हमारी बेटी थी, इसलिए हम उसके लिए न्याय चाहते हैं। सर ये 9th की नाइट से शुरू हुआ है और रात 11:00 बज के नाइट पर सब कुछ दी एंड हो गया और पूरा की पूरा कम्प्लीटली डॉक्टर मनीषा सिंघल का निगलेंस है, उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और बारोड़ हॉस्पिटल एकदम अनट्रेंड स्टाफ है वहाँ पर, उन्होंने भी कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो लोग आपस में राखी और रक्षाबंधन की छुट्टियों पर डिस्कशन कर रहे हैं, दे डिडंट, उनको ध्यान देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही कि कोई भी पेशेंट मर रहा है। हम इतनी बारिश में उसको लेके जा रहे हैं, पूरी बारिश हो रही है अंदर, उन्होंने हमें कोई हेल्प करने की ज़रूरत ही नहीं समझ रहे। हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं, हम डॉक्टर बुला रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं और मैडम के इस क्राइम में उनको जो सपोर्ट किया है वो डॉक्टर दीपक भंडारी और अरुणा पटेल हैं। बिकॉज इस तरह की जो डॉक्टर्स होती हैं, जो क्रिमिनल डॉक्टर्स होती हैं, वो मैं समझती हूँ उनके हौसले इसीलिए बुलंद होते हैं बिकॉज उनको बहुत सारे डॉक्टर सपोर्ट करते हैं। अगर उन्हें मनीष जैन सर की टीम सपोर्ट नहीं करती तो सब चीज़ें वहीं उस टाइम ओपन हो गई होती। उन्होंने वहाँ जाकर जो भी सोनोग्राफीज़ किए हमें तो रिपोर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। मेरा ब्रदर 5 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है और 5 दिनों बाद वो सिर्फ एक रिटर्न हमको मैनुपुलेटेड सोनोग्राफी की रिपोर्ट देते हैं, ना ही उन्होंने हमको कोई कॉपी दी है ना ही कोई चिप दिया। हम लोग सब चाहते हैं, हमने कलेक्टर सर को भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया है, CMHO सर को भी किया है, उन्होंने हमें पूरी उम्मीद दिखाई है कि सब कुछ होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन थाने पर पहुंचे और पुलिस थाना प्रभारी स्वराज डाबी को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने शिकायत की कि तथाकथित कुछ डॉक्टरों की मिलीभगत के कारण एक मासूम बच्ची के सर से माँ का साया उठ गया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन ने मेडिकल टीम गठित कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। हाँ, एक आज ही एक अंकिता सिंह के परिजनों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और इसमें इन्होंने बताया है कि अंकिता सिंह जो प्रेग्नेंट थी उनका डिलीवरी बारोड़ हॉस्पिटल में हुई थी और उसके बाद में बारोड़ हॉस्पिटल में कुछ उनको समस्या हुई तो उनको बॉम्बे हॉस्पिटल रेफ़र किया और वहाँ पर उनकी डिलीवरी के बाद मृत्यु हुई है। तो उस संबंध में इन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है, हालाँकि उसमें अभी PM लोगों ने नहीं करवाया था, लेकिन अभी जो आवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया है उसके साथ में जो मेडिकल दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उसके आधार पर इसमें जांच की जाएगी और जो भी होगा जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। अभी जो
क्योंकि इन्होंने आवेदन अभी दिया है हमको, तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोनों हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स को हम मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत करेंगे और मेडिकल बोर्ड इसमें फिर डिसाइड करेगा कि उसमें किसी डॉक्टर की लापरवाही है या किस कारण से मृत्यु हुई है। कॉज ऑफ डेथ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। नहीं, ये गलत है, आवेदन के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, इवन डिस्चार्ज कार्ड भी नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगाया, तो बोले कि सर हम ही 10 मिनट में ला के डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। उसके बाद फिर ये कल की बात है, तो उन्होंने बोला कि हम 10 मिनट में आपके डॉक्यूमेंट्स ला के दे रहे हैं। नॉर्मल सी है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आज उन्होंने विधिवत डॉक्यूमेंट्स के साथ में आवेदन प्रस्तुत किया है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई अब देखने लायक होगी, क्योंकि परिजनों ने शांति श्रद्धांजलि यात्रा निकालकर मृतका अंकिता सिंह की बच्ची के लिए न्याय मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।